तमिलनाडु की सरकारी स्कूल में अब विद्यार्थियों को मिड डे मील के साथ नाश्ता भी उपलब्ध कराया जाएगा। तमिलनाडु के सीएम एम के अटालियन ने प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए यह योजना चलाने का निर्णय लिया है। बता दें कि इस योजना का विस्तार राज्य के सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए भी किया जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप 2024 को जीत के बाद भारत की टीम ने एक बार फिर नई सीरीज के लिए पूरे तरीके से कमर कस ली है। टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की द्विपक्षीय सीरीज के लिए भेजा गया था। इस युवा स्क्वाड के कप्तान शुभमन गिल ने थे। बता दें कि जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4-1 से जीत हासिल की। मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी बनने के बाद इंदौर अब एजुकेशन हब बनने की दिशा में कदम आगे बढ़ा चुका है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को इंदौर के JSEC कॉलेज में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई दिशा नई शिक्षा नीति में कई नई चीज शामिल की गई है। मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पूरे देश का पहला राज्य बनने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि मप्र नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। मध्य प्रदेश में मॉनसून के एक्टिव होने पर झमाझम बारिश का दौर जारी है। बता दें कि रविवार को भी मध्य प्रदेश के कई शहरों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बारिश के 3 सिस्टम एक्टिव हैं, जिसकी वजह से बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आखिरकार एक साथ 11 लाख पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बना ही लिया। बता दें कि यह रिकॉर्ड अब तक असम के पास था, जिन्होंने एक साथ 92,06,000 पेड़ लगाए थे। बता दें कि इंदौर में नगरी प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस मुहिम के कारण लाखों की तादाद में शहर के रेवती रेंज पहाड़ी इलाके पर हजारों पेड़ लगाने के लिए पहुंचे थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए कार्यकर्ताओं को हताश होने की जरूरत नहीं है और वो बैक फुट पर ना आए, क्योंकि सभी ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। भारत सरकार ऐतिहासिक भोजशाला की सच्चाई को पता लगाने के लिए काफी समय से हम और ठोस कदम उठा रही है और आखिरकार वह दिन सबके सामने आ ही गया जब लोगों को ऐतिहासिक भोजशाला की सच्चाई पता चलेगी। बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में एमपी हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में धार भोजशाला की सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश कर दी गई है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की सिपाही भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर एक धांधली सामने आई है। बता दें कि अभ्यर्थी ने इस परीक्षा में अपने स्थान पर सोल्वर को बैठाया था। यह धांधली फोटो पर लिखित और शारीरिक परीक्षा के बायोमेट्रिक मिलान से सामने आई। इसके लिए पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के सीओ अम्बरीश सिंह भदौरिया ने हुसैनगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। अनंत अंबानी की शादी में सलमान खान और ऐश्वर्या बच्चन भी नजर आए थे। जहां सलमान खान अपनी बहन अलवीरा के साथ फंक्शन में पहुंचे हुए थे, वहीं ऐश्वर्या राय फैमिली से अलग अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ पहुंची थी। इस दौरान अब राधिका और अनंत की शादी की फोटो वायरल हो रही है, जिसमें ऐश्वर्या राय और सलमान खान एक साथ पोज देते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि अब फोटो फेक है। जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 मैचों के सीरीज के आखिरी मुकाबले में बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने इतिहास रच दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इस सीरीज में यशस्वी जायसवाल अलग ही मूड में है। पहले ही मैच में तेवरों से साफ लगा कि वह जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के कत्लेआम करने के मूड में है, लेकिन इसी ओवर में उनका बोरिया बिस्तर भी बन गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सांपों के संरक्षण, खासकर किंग कोबरा के लिए यहां जल्द ही वन विभाग का काम शुरू करने जा रहा है। इनके संरक्षण के लिए यहां स्नैक पार्क बनाया गया। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला भारत में किंग कोबरा का एकमात्र घर है। यहाँ दुनिया की सबसे लंबी विषैली सर्प प्रजाति मौजूद है। मध्य प्रदेश पुलिस अपराध से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगी। अब राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो पिछले डेटा का विश्लेषण करेगा, संभावित रूप से हॉटस्पॉट को रंग चिन्हित करके पैटर्न की पहचान करेगा और जिला अधिकारियों के साथ जानकारी साझा करेगा। इस विश्लेषण का उद्देश्य गश्त, सीसीटीवी प्लेसमेंट और समय विशिष्ट रणनीतियों जैसे निवारक उपायों का काम करना है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। एक महिला अपने घायल पति को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची थी, पर सर्जिकल वार्ड तक जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिल सका। इस पर पत्नी ने पति को पीठ पर लाद कर अंदर तक पहुंचाया। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट तो कहा ही जाता है। इस टाइगर रिजर्व के बनने से विश्व के नक्शे पर मध्य प्रदेश को अलग पहचान मिलेगी। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव राज्य स्तरीय वन
निगरानी बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। यह प्रस्ताव केंद्र में भेजने की तैयारियां भी की गई हैं, जिसको स्वीकृति मिलने से भोपाल देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वाला शहर बन जाएगा।